प्रियंका जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मैं जब एनसीआरबी की रिपोर्ट देख रही थी, देश के साथ साथ दिल्ली की रिपोर्ट का भी जब पोस्टमार्टम हम करते हैं, आप ये सोचिए कि रोजाना 2 रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। स्पेशली 19 महानगरों को पछाड़ दिया दिल्ली ने क्राइम के मामले में, और उसमें जो अरेस्टिंग होती है 7 तो सिर्फ नाबालिग होते हैं, और तो और 40% क्राइम बढ़ गया वुमेन्स के अगेंस्ट में दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल हम किसे माने? जीना जी, सभी को नमस्ते। जीना जी, मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि इसको राजनीतिक, इसमें जिम्मेदारी, अब देखिए ये तो एक सत्य है कि लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय गृह मंत्री जी के अधीन आता है, बीजेपी के अधीन आता है, पर वो भी राजनीतिक, ये राजनीतिक विषय नहीं है, चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली बाकी सभी आंकड़ों में काफी आगे है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तो इस पे हमारी एलजी से लगातार दरख्वास्त रही है, आपके शो के माध्यम से भी रही है, कि इस पे जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़े उठाइए, और इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जो हम अपनी तरफ से कर सकते थे सीना जी, हमने पिछले कुछ सालों में 2.10 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, हमने 2 लाख करीब आइडेंटिफाई किए डार्क स्पॉट्स, वहां हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, हमने सीसीटीवी लगाए पेरिस के तर्ज पर, करीब 3 लाख सीसीटीवी है दिल्ली में, हमने बसेस में पैनिक बटन, हर बस में 10 पैनिक बटन है, वो पैनिक बटन दबाने से सेंट्रल कंट्रोल रूम हमने एक सेटअप किया है, वहां पर इंफॉर्मेशन जाती है, उससे फायर, एम्बुलेंस, पुलिस सब लोग उस, और जीपीएस इंस्टॉल्ड है, तो सब लोग उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पे पैनिक बटन इंस्टॉल्ड है। फिर हमने हर बस में मार्शल डिप्लॉय किए हैं, तो ये सब कदम हमने उठाए हैं। पर कुछ चिंताजनक विषय हैं, जो जैसे निर्भया फंड है, वो इतना अनयूज्ड रहा, और फिर पता चला एक ऑक्सफैम की स्टडी से कि 73% उसको रोड बनाने में लगा दिया गया, तो इसको थोड़ा गंभीरता से लेना होगा। और अगर गंभीर है तो हमारे जो राजनीतिक राजनेता हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बाकी जगहों पर देख लीजिए, मैं इस विषय को बिल्कुल राजनीतिक नहीं बनाना चाह रही, बट आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो महिलाओं को लेकर बड़े ही अभद्र बयान देते हैं लगातार। तो अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी दिल्ली सरकार ने शुरू की, हमने एक क्लास भी शुरू की है हमारे स्कूलों में, जिसमें सब्जेक्ट है विमेन की रिस्पेक्ट करना, उसमें हम 1 घंटे की क्लास होती है, वो उसमें होमवर्क लड़कियों का भी ये रहता है कि घर जाके वो अपने भाई को समझाएंगी जो उन्होंने क्लास में सीखा, और उसके बाद वापस आकर चर्चा करेंगी क्लास में कि भाई को क्या समझाया गया। तो हम अपनी तरफ से ये मतलब बेसिक, जैसा आपने बताया जुविनाइल बहुत पकड़े जाते हैं ऐसे मामलों में, तो हम बिल्कुल क्लासरूम से विमेन की रिस्पेक्ट करना सिखाने की हमारा प्रयास है।